हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ अब सब लोग ठीक हैं और अपनी सेहत का खास ध्यान रख रहे हो। वेल, राइस की इडली तो हम सब ने ही खाई है, लेकिन क्या आपने कभी जैकफ्रूट यानी कि कटहल की इडली खाई है? जी हाँ, आज के वीडियो में हम कटहल की इडली बनाएंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले तो हमें चावल को धो के सुखाना है। इसे आप फैन के नीचे सुखा सकते हो या फिर धूप में, और उसको बाद में हम लोग मिक्सी में पीसेंगे। ये बिल्कुल सूजी की तरह ही होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इसके बाद हम लोग कटहल को भी मिक्सी में पीसेंगे, इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे। इसके अंदर के बीजों को निकाला है और बाद में इसे हम लोग पीसेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, हमारी पेस्ट तैयार है। तो चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ हमने जो पेस्ट बनाई थी कटहल की, वो ली है। एक कप पिसा हुआ चावल, हाफ कप गुड़, ग्रेट किया हुआ कोकोनट, इलायची का पाउडर, ये कोकोनट के कुछ पीसेस हैं, और स्वाद अनुसार नमक। अब एक बाउल में ये सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के हम लोग मिक्स करेंगे और एक डो बनाएंगे। इसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि काजू, बादाम या फिर कोई भी नट्स, यानी कि पीनट्स। गुड़ को आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और ज़्यादा गुड़ डाल सकते हो। मैं मीठा कम ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने हाफ कप ही डाला है। अब इस सब को हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बड़ा थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ कर देना, ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना कर सको। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा ही पानी ऐड करना है, इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बन गया है, आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए अब इसे पकाते हैं। इनको मैं इडली की शेप में पकाऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और हमारा मिश्रण इसमें डालेंगे। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हो या फिर केक के शेप में, अगर आपके पास केक टिन है। इसको जैकफ्रूट केक भी कहा जाता है। ये देखिए, मैंने ये सब में भर दिया है। चलिए अब मैं आपको और एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको भी मैंने पहले ग्रीस किया था ऑयल से, और अब एक एक स्पून मैं इन सब में डाल रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और स्वीट भी होता है। अब हम लोग इस इडली कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये उसमें प्लेस करेंगे। चलिए जल्दी से इसे स्टीम करते हैं। ये देखिए, ये तैयार है। मेरी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करना, और आपको और आपके फैमिली को ये कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।